सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। मींस आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ थिकनेस एक्स इज एडेड इन इट। मींस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या होता है अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई एक्स थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड कर दिया जाता है तो उससे टोटल कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज हमारे पास ये एक कैपेसिटर था, तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारा। सपोज इस प्लेट पे प्लस क्या चार्ज है और इस प्लेट पे माइनस क्या चार्ज है। नाउ सपोज इस जो हमारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी, स्मॉल डी। एंड नाउ व्हाट हैपेंस कि हमने इसकी जो प्लेट्स हैं उनके बीच में कहीं पे एक्स थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड कर दिया। तो सपोज यहां तक हमने ये जो है एक्स थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें भर दिया। सपोज जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें ऐड किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है के। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने यहाँ पे ऐड किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है के। तो अब हमें निकालना है कि इस पूरे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पे यूज होगा। जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर किसी भी कैपेसिटर के अंदर मान लिया कोई कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस इस टाइम पे सी नॉट है, और अगर मैं इस कैपेसिटर को कम्प्लीटली भर देता हूँ किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से बीच में, और सपोज उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है के, तो उस टाइम पे जो नया कैपेसिटर इस कैपेसिटर का होगा वो कितना हो जाता है के टाइम्स ऑफ सी नॉट। तो ये फैक्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए, तो सपोज हमने जो है ये एक्स थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें ऐड कर दिया है। अब हमें निकालना है टोटल कैपेसिटेंस। तो अगर हम इस कैपेसिटर को ध्यान से देखें, अगर मैं इन प्लेट्स को नाम दे दूं, सपोज ये है हमारी प्लेट ए, ये है प्लेट बी, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो ये वाला हिस्सा है इसे हम प्लेट सी कंसीडर कर सकते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे क्या हो गया है कि जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक्स थिकनेस का इसमें इंट्रोड्यूस किया, तो इस मीडियम ने इस पूरे कैपेसिटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मीन्स हम कह सकते हैं कि अब ये एक कैपेसिटर ना होके दो कैपेसिटर्स की फॉर्म में है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। एक तो है कैपेसिटर ये, मतलब जिसकी एक प्लेट ए है और एक प्लेट सी है, और एक कैपेसिटर है ये जिसकी एक प्लेट सी है और एक प्लेट बी है। मीन्स हमने माना है कि ये जो बहुत ही थिन प्लेट है, जो सी प्लेट है, ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में कॉमन होगी, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो कैपेसिटर्स जो हैं आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं। तो इसका मतलब जो पूरा कैपेसिटेंस होगा टोटल सर्किट का वो किसके कुल होगा, इन दो कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्वल। और हमने पढ़ा है कि अगर दो कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया जाता है तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, 1/C, वो रेसिप्रोकली ऐड होते हैं, 1/C1 + 1/C2। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता था, सोल्व करके सारा, यहां से सारा सोल्व करके सी आ जाता था, C1 C2 / C1 + C2। तो ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर लेंगे। हम अलग से इसका कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, अलग से इसका कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, फिर उनके सीरीज कॉम्बिनेशन को जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहां पे अगर ये थिकनेस x है तो ये थिकनेस होगी d - x। फर्दर हमने माना कि जो हमारी प्लेट्स हैं, प्लेट्स का जो एरिया है वो a है। a यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स। तो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो किसके कुल होता है, C εo A/D। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और ए क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमने माना कि सपोज ये जो हमारा कैपेसिटर है,
इसे कैपेसिटर वन मान लिया और ये जो अंदर कैपेसिटर है इसे कैपेसिटर टू मान लिया। तो कैपेसिटर वन का कैपेसिटेंस सपोज सी वन है और कैपेसिटर टू का कैपेसिटेंस सपोज सी टू है। तो कैपेसिटर वन का जो कैपेसिटेंस होगा ये सी वन, ये किसके इक्वल होगा? एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब इस कैपेसिटर वन के अंदर किसी तरह कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, तो इसलिए इसका कैपेसिटेंस होगा सी वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डिस्टेंस कितनी है प्लेट्स के बीच में? डी माइनस एक्स। तो इसे मान लिया इक्वेशन वन। अब चलते हैं दूसरे कैपेसिटर पे। अब कैपेसिटर सी टू की अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चों सी टू कैपेसिटर की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें जो हमने डायलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड किया है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से सी टू हमारा बनेगा के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, कितनी है? एक्स। तो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो अब ये फॉर्मूला यहाँ हम यूज करेंगे क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन का जो है फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज किया जाएगा तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा सी इज इक्वल टू सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। तो यहां से टोटल कैपेसिटेंस बनेगा सी इज इक्वल टू सी वन। सी वन कितना है हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस एक्स, और सी टू कितना है? के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एक्स अपॉन सी वन प्लस सी टू। तो नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस एक्स प्लस k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट a अपॉन x। तो सारे में से जो है एप्सिलॉन नॉट a हम कॉमन निकाल लेंगे ऊपर से भी और नीचे से भी। तो हमारे पास बनेगा जब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट a कॉमन निकाल लेंगे अंदर यहाँ बचेगा k टाइम्स एक एप्सिलॉन नॉट a बाहर, अंदर बचा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन x इंटू डी माइनस एक्स। सिमिलरली नीचे भी एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ पे वन अपॉन डी माइनस एक्स प्लस के अपॉन एक्स। एप्सिलॉन नॉट ए के साथ एप्सिलॉन नॉट ए कैंसल। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा सी इज इक्वल टू इधर ऊपर एज इट इज k इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन x इंटू डी माइनस x अपॉन यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये बनेगा x इंटू डी माइनस x इसका एलसीएम x प्लस k इंटू डी माइनस x। यहाँ पे x इंटू डी माइनस x के साथ x इंटू डी माइनस x कैंसल। तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा c is equal to k into epsilon not a upon यहाँ पे x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, d वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे, ये k को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x plus kd minus kx। तो फर्दर ये आ जाएगा k times of epsilon not a upon kd, इसमें से x को कॉमन निकाल लेंगे के डी माइनस एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस एक्स कॉमन निकाल रहे तो एक के बन जाएगा माइनस वन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ थिकनेस एक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन इट। सो इज इट क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फर्दर आप यहाँ से इसका एक स्पेशल केस भी डिस्कस कर सकते हो। देखो अगर मैं इस कैपेसिटर के इतने पोर्शन में ना डाल के डायलेक्ट्रिक मीडियम पूरे कैपेसिटर के अंदर ही अगर मैं डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल देता हूँ तो उस टाइम पे एक्स की वैल्यू किस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा उस टाइम पे? डी के इक्वल हो जाएगा। तो अगर इस एक्सप्रेशन में एक्स को डी रखता हूँ तो हमारे पास सेम वही एक्सप्रेशन आएगा कि कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो सेम वही एक्सप्रेशन आएगा सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन के डी माइनस डी इंटू के माइनस
वन, इसको जब सोल्व करोगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ये माइनस के के डी प्लस डी, तो के डी के साथ के डी कैंसिल, तो सेम वही फॉर्मूला आ जाएगा के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो अगर एक्स पूरे पूरे मीडियम पूरे पूरे कैपेसिटर के अंदर हम डायलैक्ट्रिक मीडियम ऐड कर देते हैं तो उस टाइम पे टोटल कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि नॉलेज जो है वो हर तक हर एक हर किसी तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे, मैं यूं ही वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। जय हिंद।